25 साल की जेट एयरवेज जो 25 साल उड़ान भर रही थी अचानक अप्रैल 17 को अपनी उड़ान रोक देती है और कहती है कि टेम्पररी सस्टेंड, जो सस्पेंड हो चुकी है। लेकिन 25 साल के बाद आपको याद आया सस्पेंड, उसके बाद जो है नरेश गोयल जी ने अपने सीट से रिज़ाइन दिया, इसलिए क्योंकि SBI कहती थी कि हम चलाएंगे जेट एयरवेज। तो फिर उनके उतरने के बाद, रिज़ाइन देने के बाद SBI ने क्यों नहीं चलाया जेट एयरवेज को, क्यों स्टॉप कर दिया अचानक अप्रैल 17 को, जहां से वो उड़ान भर रही थी चंडीगढ़ टू मुंबई, उनकी जो पहली फ्लाइट थी वहां से ही उनका अंत हो गया। सो अभी हमें चाहिए कि 240 घंटे में जेट एयरवेज फिर से उड़ान भरनी चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि जेट एयरवेज उड़ान 240 घंटे में भरें। इसके लिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं नरेश गोयल साहब जी के पास कि आप हमसे बात कीजिए, हमसे मीटिंग फिक्स कीजिए। और आपके पास जो शेयर्स हैं 24%, आप अभी भी पावरलेस हैं, शेयर ट्रांसफ़र कीजिए, जेट एयरवेज अपनी उड़ान भरेगा तब भी आप पावरलेस रहेंगे, बट यू विल बी नोन, आपकी जो जेट एयरवेज की जो आन और शान है आप ही से मानी जाएगी, एंड यू विल बी वन ऑफ द लीडिंग टाइकून ऑफ जेट एयरवेज, वो कभी कोई भी नहीं रोक सकता आपके नाम को, जेट एयरवेज जानेगा गोयल साहब के नाम से ही। लेकिन अभी फिल वक्त उनके पास 25% शेयर्स रहते हुए भी वो जो पावरलेस हैं, उससे अच्छा 25% दीजिए और अपने एयरलाइंस को बचाइए मार्केट में, तब जाके कोई फंडिंग करेगा और स्टार्ट होगी एयरलाइंस फिर से। 10 दिन के अंदर एयरलाइंस, आज से काउंटडाउन स्टार्ट है, आज का 24 घंटे खत्म होने पे फिर 9 दिन बचते हैं, 10 दिन के अंदर स्टार्ट होगा फिर से जेट एयरवेज। दैट्स व्हाट आई कैन से। दिस इज सैयद मजहर नवाज, आई एम द डायरेक्टर ऑफ अलीफ एविएशन। आप लोगों के सामने आज का जो प्रेस मीट था जेट एयरवेज के बारे में, जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम आज हमारे सामने आ रहा है, एज अ डायरेक्टर ऑफ अलीफ एविएशन हम लोग जो स्टाफ ट्रेन कर रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री में, आज जेट एयरवेज में तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयज आर देयर, वो आकर अपने अपने मसाइल हमें बता रहे हैं। हमें इस बात का अफसोस है कि जो उनके जो मसाइल हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहो या पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स रहो, इस पर हम वी आर वेरी सपोर्टिंग देम इन विच एवर वेज, एज डायरेक्टर ऑफ अलीफ एविएशन आई एम हेल्पिंग देम आउट, गाइडिंग देम। इसके साथ साथ ही मैं चाहता हूँ कि जेट एयरवेज इंशाल्लाह चंद दिनों में फिर से अपनी शुरुआत करे, ऐसा ना हो कि किंग फिशर एयरलाइन जैसा हो जाए। इसलिए हमें उम्मीद रखते हैं कि जो भी लोग जो आज अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो।